हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम राशिद, तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में आपको बताना होगा कि किस तरह से आप अपने चैनल का जो है कस्टम यूआरएल, जिससे आपके चैनल वीडियो वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। कस्टम यूआरएल दोस्तों आपको 100 सब्सक्राइबर के बाद ही आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कस्टम यूआरएल क्या होता है, तभी आप सेट करने आए हैं। जैसे नहीं पता है तो मैं आपको सिंपली सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस वाले वीडियो को जैसे लाइक और चैनल पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लें, यूजर नेम विलेज बॉय राशिद। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप कस्टम यूआरएल अपने चैनल पर सेट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 100 सब्सक्राइबर के बाद आप सेट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो मेरा 100 सब्सक्राइबर, मेरे 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे चैनल पर। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप सेट करते हैं, कस्टम यूआरएल सेट कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों, आप अगर फ़ोन से, मैं करके आपको दिखाऊँ कि कैसे आप फ़ोन से कस्टम यूआरएल सेट कर सकते हैं। सिंपली मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों, इसी में वाई टी स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको सब कुछ सेटिंग दिखाऊंगा कैसे आप कस्टम यूआरएल अपने लगा सकते हैं चैनल पर। दोस्तों आपको वाई टी स्टूडियो ओपन कर लेना है, देख सकते हैं मैं कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं करना आता, इससे पहले वाला मेरे वीडियो रिसेंट में मेरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि कैसे आप क्रोम ब्राउज़र में वाई टी स्टूडियो ओपन कर सकते हैं, जाकर आप देख सकते हैं। सिंपली मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ वाई टी स्टूडियो को, देख सकते हैं ओपन हो रहा है मेरा। वेट कीजिए दोस्तों, देख सकते हैं वाई टी स्टूडियो मेरा ओपन हो रहा है। देख सकते हैं गाइज, मेरा जो वाई टी स्टूडियो ओपन हो चुका है मेरे मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र के अंदर। दोस्तों फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको जाना है अपने चैनल का यूआरएल सेट करने के लिए। दोस्तों इस देख सकते हैं आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा है दोस्तों, सिंपली इसी पे मैं क्लिक करता हूँ, इसी कस्टमाइजेशन पर। दोस्तों इसी में आपको मिल जाएगा कस्टम यूआरएल सेट करने का ऑप्शन। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में, जैसे चैनल लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा सेटिंग आप कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सेट करना है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा जो आपको नहीं आता है। दोस्तों सिंपली मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि कस्टम यूआरएल कैसे सेट करते हैं। तो सिंपली बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे आ जाना है आपको। देखते हैं, मैं आ चुका हूँ दोस्तों। सिंपली मुझे पहले से यहाँ पे मैंने अपना कस्टम यूआरएल सेट करके रखा हुआ है, टेक्निकल राशि 01 से। यहाँ पर दोस्तों आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूँ। देखते हैं, यहाँ पे कस्टम यूआरएल मैंने पहले से सेट करके रखा है, टेक्निकल राशि 01। दोस्तों मैं आपको बताऊँगी कैसे आपको इसको सेट करना है, और मैं डिलीट भी करके दिखाऊँगी किस तरह से आप हटा के नया लगा सकते हैं डिलीट करके। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट का, दोनों काम हो जाएगा दोस्तों, डिलीट करना भी और सेट करना भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको अबाउट का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों नीचे की तरफ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अबाउट का ऑप्शन, देखते हो यहाँ पे आपको कस्टम यूआरएल दिख रहा है। सिंपली दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दिख रहा है, आपको रिमूव कर देना है अपना चैनल यूआरएल, और आपका चैनल यूआरएल रिमूव हो जाएगा यहाँ से। रिमूव हो रहा है दोस्तों, फाइनली दोस्तों मेरा रिमूव हो चुका है। मैं अपने पेज को रीलोड कर लेता हूँ दोस्तों एक बार। फाइनली दोस्तों मेरा पेज रीलोड हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मेरा डिलीट हुआ है और नहीं। देख सकते मेरा जो चैनल यूआरएल था वो डिलीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल यहाँ पे नीचे में दिख रहा है आपको लिखा हुआ रहेगा सेट कस्टम यूआरएल, प्लीज पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने में दोस्तों आपके यहाँ पे मेरा जो पहले यूआरएल था वो सब दिखा रहा है दोस्तों। सिंपली आपको नीचे जो बॉक्स बना हुआ दोस्तों इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने में दोस्तों आपका ऑटोमेटिक आपका नाम दिया गया, टेक्निकल का दोस्तों आ चुका, देख सकते हैं। तो सिंपली क्या है दोस्तों, ये वाला यूआरएल काफ़ी लोगों ने सेट करके रखा हुआ पहले से, इसलिए मैं इसको मैंने पीछे चैनल अपना ओपन किया है, सेटिंग नहीं कर सका हूँ मैं, क्योंकि टेक्निकल राशि का जो यूआरएल है पहले से लोगों ने लगा रखा है। दोस्तों मैं सिंपली इसमें 01 जोड़ के कुछ देख सकते हैं, मैं अपने लगा लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर सेट मैंने लिख लिया है अपना कस्टमर, और यहाँ पर देख सकते हैं कौन साइड में पब्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, तो पब्लिश का दोस्तों इसी पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं मैं क्लिक कर देता हूँ पब्लिश पर और कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो कस्टमर सेट हो चुका है फाइनली, जो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सब कुछ हो चुका है मेरा जो सेट। दोस्तों इससे आपका वीडियो का जो है वायरल होने का चांस बढ़ जाता है दोस्तों, वायरल होने का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके
सबसे पहले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।